जादुई नोटबुक। कृष्णा नाम का एक लड़का अपने चाचा चाची के साथ रहता था। उसकी माँ पिताजी की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। तब से कृष्णा चाचा चाची के साथ रहता था। उसके चाचा चाची को एक बेटा था जिसका नाम वीरेन था। कृष्णा के चाचा ने बचपन में सिर्फ वीरेन को ही स्कूल भेजा, कृष्णा को नहीं। वीरेन ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। वह पढ़ा लिखा था लेकिन कृष्णा अनपढ़ था। कृष्णा घर का सारा काम करता था और वीरेन सिर्फ बैठकर खाना खाता था। कृष्णा के चाचा उसे हर वक्त डांटते थे और जब भी वह खाली बैठता उसे काम दे देते थे, लेकिन अपने बेटे वीरेन की सारी इच्छाएं पूरी करते। वह जो मांगता तुरंत उसे खरीद कर दे देते थे। ओए कृष्णा, कहाँ चला गया? आ रहा है कि नहीं? जी चाचा जी, बोलिए क्या बात है? दरअसल मैं किचन में चाची की मदद कर रहा था सब्जी काटने में। तू तो शुरू से ही काम चोर है, ये सब बहाना बनाना बंद कर और बाहर जाकर गरम गरम समोसे लेकर आ। तुझे भी खाना है क्या? नहीं चाचा जी, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही ला देता हूँ। हाँ बिल्कुल सही बोला, सिर्फ हमारे लिए ही ले आ, तू तो कुछ भी खा लेता है। कृष्णा को वीरेन की किताबों को देखकर बहुत अच्छा लगता था। वह सोचता काश मैं भी इन किताबों को पढ़ पाता। कृष्णा का चाचा दुकान का कुछ हिसाब वीरेन से करवा रहा था। अरे तू क्या हिसाब किताब देख रहा है, चला जा यहाँ से, यह अनपढ़ लोगों के बस की बात नहीं है। वीरेन कृष्णा पर हंसने लगा। एक दिन कृष्णा अपने चाचा से कहता है, चाचा मुझे भी पढ़ना है, क्या आप मुझे पढ़ाओगे? तू क्या करेगा पढ़कर, घर में रहने दे रहा हूँ, दो वक्त का भोजन दे रहा हूँ, उतने में ही खुश रहे, ज्यादा आगे की मत सोच। कृष्णा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। एक बार कृष्णा सामान लाने बाजार गया, तब उसने कुछ लोगों को बात करते सुना। वह बातें कर रहे थे कि यहाँ पास में एक शिक्षक मुफ्त में गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। यह सुनकर कृष्णा बहुत खुश हो जाता है और वहाँ पहुँचता है। वहाँ जाकर उसने देखा छोटे छोटे बच्चे उस शिक्षक से पढ़ रहे थे। मैंने अपनी बचपन में गरीबी की वजह से पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत परेशानियाँ झेली है, मैं इस दुख को जानता हूँ, इसीलिए अपने काम से समय निकालकर शाम को तुम लोगों को 2 घंटे पढ़ाने आता हूँ, तुम सभी मन लगाकर पढ़ो। कृष्णा शिक्षक के पास आया। टीचर जी मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। अरे तुम तो बहुत ही बड़े हो, यहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं। टीचर जी मैं भी यहीं बैठ जाऊंगा, आप मुझे भी पढ़ा देना, मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, लेकिन मेरे चाचा जी मुझे पढ़ने नहीं देते। ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम भी कल से लिखने के लिए नोटबुक और पेपर ले आना। जी ठीक है। कृष्णा ने चाचा से छुपाकर कुछ पैसे बचा रखे थे। उन्हीं पैसों से कृष्णा ने नोटबुक और पेन खरीदा। हर रोज सामान लाने के बहाने वह घर से निकलने लगा और पढ़ाई शुरू कर दी। कृष्णा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जो शिक्षक पढ़ा रहे थे वह कृष्णा समझ नहीं पा रहा था। उसने आज तक यह सब नहीं पढ़ा था, कृष्णा के लिए यह सब बिल्कुल नया था। कृष्णा को घर पर समय भी नहीं मिलता था जिससे वह अपने होमवर्क कंप्लीट कर सके। वह पूरा दिन चाचा चाची के काम में ही लगा रहता था। हर रोज होमवर्क पूरा न रहने पर शिक्षक कृष्णा पर बहुत गुस्सा होते थे। एक दिन टीचर कृष्णा से बहुत गुस्सा हो गए और उसे अपनी क्लास से बाहर निकाल दिया। कृष्णा बहुत दुखी हुआ क्योंकि अब तो वह पढ़ नहीं सकता था। वह मंदिर गया और वहीं एक कोने में बैठकर रोने लगा। पुजारी जी कृष्णा को रोता देखकर वहां आए। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पा रहा, जो शिक्षक समझा रहे हैं मुझे समझ नहीं आ पाता, और जो होमवर्क वो देते हैं वो कम समय मिलने के कारण पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। कृष्णा पुजारी जी को अपनी जिंदगी के सारे दुखों के बारे में बताता है। बेटा यह नोटबुक ले लो, यह नोटबुक जादुई है, इसमें तुम जो भी लिखोगे उसे एक बार पढ़ने मात्र से तुम्हारे दिमाग में सब आ जाएगा। क्या सच में? हाँ बेटा,
और जितने होमवर्क तुम्हें मिलेंगे उन्हें यह कॉपी खुद कर देगा। बस तुम एक बार उसे देख लेना, सब आ जाएगा। अगर नोटबुक खत्म हो गया तो तब मैं क्या करूँगा? तब तुम मेरे पास आ जाना और मैं तुम्हें नया नोटबुक दे दूंगा। कृष्णा खुशी खुशी नोटबुक लेकर चला जाता है। शिक्षक उसे अंदर नहीं आने देते, लेकिन वह उनसे माफी मांगकर वापस अंदर आ जाता है। उसे पुजारी जी ने जैसा जैसा बताया बिल्कुल वैसा वैसा हो रहा था। उसे अब सब समझ आने लगा, याद होने लगा। उसके सारे होमवर्क बन जाया करते थे, वह एक बार उन्हें पढ़ लेता उसे सब याद हो जाता था। धीरे धीरे उसे पढ़ाई में रुचि आने लगी। अब वह बिना जादुई नोटबुक के भी सब समझने लगा। कुछ समय तक कृष्णा पुजारी जी के पास नए नोटबुक लाने गया। फिर एक दिन उसे एक बड़े दुकान पर हिसाब किताब करने के लिए रख लिया गया। उस दुकान वाले ने कृष्णा को रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी दे दिया। कृष्णा चाचा चाची के घर को छोड़कर वहाँ रहने लगा जहाँ वह काम करता था। वह शिक्षक के पास जाना छोड़ दिया क्योंकि अब उसे आगे की पढ़ाई करनी थी। काम के साथ साथ कृष्णा ने पढ़ाई जारी रखी। कृष्णा को जादुई नोटबुक की जरूरत नहीं पड़ती थी, वह खुद ही सब समझ लेता और पढ़ लेता था। वह एक दिन पुजारी जी के पास गया। पुजारी जी, सिर्फ आपके जादुई नोटबुक की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया। अब मैं इस नोटबुक का इस्तेमाल नहीं करूँगा, आप इसे रख लीजिए। मैं खुद से मेहनत करूँगा और अच्छी नौकरी पाऊंगा। वाह बेटा, शाबाश। कृष्णा ने कड़ी मेहनत की और अब उसने एक सरकारी नौकरी पा ली थी। उसे सरकार की तरफ से सब कुछ मिल गया, घर, गाड़ी और जरूरत की सारी चीजें। चाचा चाची और वीरेन जब भी कृष्णा को देखते थे उससे बहुत जलते थे, लेकिन कृष्णा अब अपनी जिंदगी में खुशी से जीने लगा।